मैं ज्योतिषाचार्य राम शिवशरण शास्त्री आज रोशनी मूवीज़ प्रेजेंट मोहम्मद शमीम भाई द्वारा किया जा रहा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी इस फिल्म की वृद्धि हो और निरंतर उनकी इस कार्यों में प्रगति होती रहे। साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, उन तमाम लोगों के बहुत बहुत शुभकामनाएँ और ईश्वर इनको दिनों दिन प्रतिदिन तरक्की देती रहे और आगे की ओर प्रगति करते रहें। शमीम भाई हमारे नई नई फिल्में बनाते रहें और हमेशा अग्रसित होते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएँ सारे एक्टर्स को। शमीम सर को बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उनकी फिल्म और रिलीज़ हो, उनका मतलब फिल्म फ्लॉप नहीं होना चाहिए, हिट जाना चाहिए, उनकी मतलब बहुत सारी रेटिंग्स से वो अच्छा परफॉर्म करे, उनके एक्टर हीरोइन सबको बेनिफिट्स मिले, उनका अच्छा नाम बने और उससे और ज़्यादा तरक्की तक। हमारे शास्त्री जी आ गए हमारे लिए आशीर्वाद, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत बहुत दिल से मतलब खुश हूँ कैसे भी आ गए, यही हमारे लिए। संजीव जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में इतना इंतजाम किया, लेकिन किस वजह से किया? क्योंकि महोदय के चरण यहाँ पर तो हम लोग कर सके, और ये मुंबई में आ गए थे लेकिन इनका आशीर्वाद आने में देर हुई, लेकिन आशीर्वाद बना हुआ था और हम लोग काम करते रहे और इतना सक्सेस हमारा इवेंट हुआ है, बस इन्हीं के आशीर्वाद। ये सब ईश्वर की कृपा है और हमारा तो आशीर्वाद है ईश्वर की। अगर इस वायुमंडल में वो शक्ति है, ऊर्जा है, तो इस फिल्म के लिए वो सब कुछ लगा दें और प्रगति प्रगति में। क्या बात, क्या बात, बस यही आशीर्वाद बना रहे। हीरो किधर गया? कर गया ये शमीम अख्तर जी हैं, ये एक फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रोशनी मूवीज़ करके इनका बैनर है। तो हम लोग एक पहली फिल्म कर रहे हैं, इसका टाइटल दिया हुआ है लेकिन अभी टाइटल रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमने लोगों ने प्रोडक्शन नंबर 1 किया है। तो ये फिल्म बहुत कोशिश के बाद हम लोग बना पाए हैं, बनाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से लगे हुए थे और आज इस मुकाम पे पहुँचे कि हम लोगों ने शुरुआत कर ली। बाकी शमीम भाई कुछ कहना चाहेंगे? संजीव हमारे बहुत पुराने दोस्त, 7-8 साल से पहचान है और इन्होंने एक स्टोरी लेके आया तो मुझे पसंद है, तो हमने कहा अब इसको शुरू करो, क्या समझा, क्योंकि कहानी मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं है। संजीव इसके बनाने में जो भी इनकी मतलब मेहनत रही है, जो भी तकलीफ रही है, अब सारी तकलीफ इनकी खत्म। अभी ये मैंने आपको बताया था अभी कि 2 फिल्में हैं, ये एक नहीं, ये 2 फिल्में हैं। तो ये दोनों फिल्में, एक तो लव स्टोरी है और एक जो है ऑफ बीट फिल्म है, इसको कह सकते हैं। तो अभी टाइटल आएगा तो उसके बाद ही बता सकते हैं इसके बारे में।
और जल्दी हम लोग शूट पे जा रहे हैं, सितंबर में शूट करेंगे, है ना। पहली ये बॉक्सिंग वाली, लव स्टोरी बाद में एक्टर्स वो होंगे या फिर एक्टर्स भी चेंज? हाँ, चेंज हो सकते हैं उसमें, अगर इसमें परफॉर्म अच्छा गया तो वही एक्टर हम लोग रिपीट कर लेंगे। साड़ी भी आ जाएगी तो अच्छा, कहानी के हिसाब से देखेंगे ना कि साड़ी के चक्कर में थोड़ी नहीं, वो साड़ी में तो रहेगी क्योंकि बनारसी साड़ी है तो साड़ी में तो दिखेगी वो। नहीं, मैं 15 अक्टूबर को फैशन शो कर रहा हूँ बनारसी साड़ी का। और चीफ गेस्ट जो है अपने प्राइम मिनिस्टर जी को बनाया जा रहा है, उसके लिए लेटर भी भेज दिया है शमीम भाई ने, और वहाँ से 80% ओके भी हो गया। सितंबर में बुलाया उन्होंने मुझे मिलने के लिए, और अखिलेश भाई ने बोला भी था हमारे कि मतलब इवेंट करेंगे बहुत अच्छा बॉम्बे में। सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, संजीव जी का, शमीम जी का, जिन्होंने मुझे ये ब्रेक दिया है और मैं इनकी फिल्म में काम करूँगा। पहले कई बार हमारी बात हो चुकी है लेकिन हम साथ में काम नहीं कर पाए थे, जब ये नैनीताल में शूटिंग कर रहे थे दूसरी फिल्म की, तब से हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब हम साथ में काम करेंगे। और इनका धन्यवाद है और इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मुबारक। यहाँ पर धन्यवाद की बात नहीं है क्योंकि के भाई इतने अच्छे एक्टर हैं कि इनको हम काट ही नहीं सकते, ये एक्टिंग ही ऐसी करते हैं, तो एक करेक्टर रहता है जिसमें दिखते हैं यही नज़र आएंगे, यही कर सकते हैं। के जी का कुछ अलग ही कॉमेडी करेक्टर है लेकिन कुछ अलग हटके है, आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, कॉमेडी के साथ साथ कुछ इमोशनल भी होगा, ये हंसाने के साथ रुलाएंगे भी। तो शमीम भाई हमारे प्रोड्यूसर हैं और संजीव भाई डायरेक्टर हैं, इनके साथ पहली बार मैं काम करूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है ये बहुत क्रिएटिव पर्सन है और इनकी क्रिएटिविटी, जब इनसे बात कर किया, जब इनके साथ मीटिंग किया, तब पता चला कि ये कैसी फिल्म बना सकते हैं। अगर इन्हें मौका मिला तो ये जो पत्थर पर डूब उगाने वाली बात होती है वो संजीव भाई कर सकते हैं, तो इन्होंने ऐसा सोचा है तो हम कोशिश करेंगे इनके साथ रुलाने की, मतलब पब्लिक को भरपूर इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। मैंने सुना इस फिल्म के लिए आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बहुत अच्छी बनाएंगे। अभी जब कैरेक्टर जब फाइनल होगा, जिम तो नहीं लेकिन हम लोग शूट करने वाले जिम कार्बेट में भी, तो ये शायद ये सुना होगा आपने। इनका हम लोगों ने सीरियल में पहले बहुत देखा है, इनकी एक्टिंग देखी है, संजीव जी ने मिलाए इनको, उनको बताया कि भाई बच्चे एक्टर हैं, उनका भी जो कहानी में आए उनको लो, जो कहानी में आए उनको लो, कहानी के हीरो मेन समझो आप, वही से काम करते। थैंक यू सो मच, आपका भी सर थैंक यू, धन्यवाद। नेहा है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, इन्होंने ऑडिशन दिया था, ऑडिशन से मुझे पता चला कि कितनी अच्छी आर्टिस्ट हैं ये, तो मैंने इसके लिए इनको बुलाया है, अभी देखिए क्या करती हैं फिल्म में, क्या करती हैं ये देखने को मिलेगा। बाकी नेहा जी बताएंगी क्या किया है आपने थिएटर वगैरह। हाय, माय नेम इज़ नेहा, मैं भी सर के साथ काम करना चाहती हूँ और ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बना है और भगवान करे ये बहुत ही सुपर डुपर हिट जाए, आगे सर बताएंगे। रिलीज का तो प्लान अभी नहीं है, रिलीज का प्लान दीपावली के आसपास ही होगा, दीपावली के बाद, क्योंकि अभी ये दो फिल्में हैं, एक नहीं दो फिल्में हैं। टाइटल अभी दिया हुआ है, टाइटल जब रजिस्टर्ड होगा तभी बताएंगे, वो अभी क्या मुहूर्त करना था, प्रोडक्शन नंबर वन करके हम लोग कर दे रहे हैं। अजय मिश्रा, सोशल वर्कर उन्नाव से, मैं शमीम भाई को और उनकी फिल्मों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, इनके एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एवं इस फिल्म से जुड़े समस्त लोगों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं और माँ से ये प्रार्थना करता हूं कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और बहुत आगे बढ़ें। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं श्री शमीम अख्तर जी को एवं इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी को। हाँ, मैं धर्मेश तिवारी, सभापति उत्तर प्रदेश सचिवालय कोऑपरेटिव बैंक, मैं इस फिल्म के डायरेक्टर भाई शमीम अख्तर जी जो बनारस से मुकाम तय कर इस माया नगरी तक पहुँचे और इस फिल्म लाइन में आए, मैं इनके इस फिल्म के आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इसी तरह से और फिल्म बनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद।